संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। लोगों के जीवन में सरलता कैसे लाई जाए, हरियाणा की छवि कैसे बदले, क्योंकि बहुत विशेष प्रकार की छवि हरियाणा की 2014 से पहले थी, उसका उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस छवि को बदलने में और ये प्रेरणा भी हमको अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मिली, जब उन्होंने कहा कि अगर सबसे बड़ा कोई काम हमारे सामने करने का है तो वो जो अपनी बिरादरी है, राजनीतिक लोगों की, राजनीतिक नेताओं की, इस बिरादरी की छवि और सरकारों की छवि ये बदलने की जरूरत है, तो हमने उसको बदल करके दिखाया है। सरकार डिलीवर कैसे करती है, सरकार सेवाएं योजनाओं का लाभ गरीबों तक कैसे पहुंचाती है, चाहे स्वास्थ्य की योजनाएं हो, हमने अस्पताल खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, और खुशी की बात तो यह है कि जो बात हमने कही थी कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, उसके अंतर्गत कैथल में भी हमने मेडिकल कॉलेज की नींव रख दी है। आयुष्मान भारत की बात हमने कही, प्रधानमंत्री जी ने जो एक योजना दी, उस योजना के अंतर्गत हर गरीब परिवार उसको 5 लाख रुपए रोग के ऊपर आने वाला खर्च, इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार ने ली है। चाहे शिक्षा की बात हो, नई एजुकेशन पॉलिसी से लेकर के, चाहे स्कूलों में, कॉलेजेस में हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सब पर हमने काम किया है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पर काम करने की आवश्यकता इसलिए है कि हमारा हर युवा को रोजगार उसको मिलना चाहिए। हर आदमी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता, लेकिन उसको कुछ हुनर सिखाने की आवश्यकता है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, छात्र है, छात्रा है, आगे बढ़कर के आजीविका को कमाने के लिए कैसे आगे बढ़े। इस रोजगार के लिए हमने उद्योगों में भी काम किया, और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पिछले 8 साल में 6 लाख से ऊपर लोगों को और प्राइवेट रोजगार फैक्ट्रियों में, कॉर्पोरेट में ही मिला। ये झूठ फैलाने वाले दिन रात जो ये कहते हैं कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, मैं आपको आंकड़े, एक एक घर के आंकड़े सहित बता सकता हूं कि आज हरियाणा में अभी भी हमारे पास जो परिवार पहचान पत्र का पोर्टल है, एक एक परिवार का डाटा है, और उसमें जो रोजगार करने वाला उस लायक व्यक्ति है वो बेरोजगार है, तो उसको बेरोजगार गिनेंगे, बच्चों को बेरोजगार नहीं गिन सकते। लेकिन जो आंकड़े बताने वाले हैं वो कहते 15 साल से और 18 साल के बीच के उनको भी गिन लिया बेरोजगार। हमने 18 साल तक तो हर एक को शिक्षा देनी है, और ये उसके भलाई के लिए बहुत आवश्यक है। 18 साल से पहले किसी को रोजगार हम देने वाले नहीं है, 18 साल के बाद उसको रोजगार सुनिश्चित करेंगे। शोर मचाया इन्होंने के अग्निवीर योजना, इसमें बाद में क्या करेंगे, हमने ये गारंटी दे डाली कि अग्निवीर के बाद हरियाणा के अंदर गारंटेड नौकरी देना ही हमारा काम है। अगर 4 साल का अनुशासन सीखेंगे, देशभक्ति की भावना सीखेंगे, और जब आएंगे कुछ न कुछ राशि लेकर के आएंगे, हर महीने की राशि घर में भेजेंगे, उससे अच्छा अपना कोई काम भी वो कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। नहीं तो नौकरी चाहिए, आज प्राइवेट जगत भी उनको नौकरी देने के लिए तैयार है। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर हमारे, चाहे रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, शिक्षा का स्तर कैसे अच्छा किया जाए, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबी आदमी हो और सुरक्षा उसको मिले, सुरक्षा के लिए पुलिस के अंदर भी जितनी भर्तियां हमने की है, खास करके महिला सुरक्षा हमारे 6% थी, आज वही महिलाओं की संख्या पुलिस में लगभग 10% होने जा रही है, और हम आने वाले समय में ये 15% करेंगे। चाहे पंचायतों का काम हो, नगर पालिकाओं का काम हो, बजट की बात हो, बजट हमने इतना बड़ा, डबल से ज्यादा बजट हमारा हुआ है, आज पंचायतों के पास पैसे की कमी नहीं, नगर पालिकाओं के पास पैसे की कमी नहीं, विकास के नाते सारे काम पूरे हो रहे हैं। प्रश्न करते हैं लोग, ये पैसा आ कहां से रहा है, और मैं आपको बताता हूं, ये भ्रष्टाचार नाम का जो घुण है, जो पैसे को चूसता है, इस पर हमने चोट करनी शुरू की है, ये भी समाज का दुश्मन है।
और उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमने ऑनलाइन व्यवस्थाएं कर दी है। और हाँ, भ्रष्टाचार अब लोग जो पकड़े जा रहे हैं तो ये जो ब्लेम लगता है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, हमारा कहना है कि पिछले सरकारों के समय भ्रष्टाचार को उजागर ही नहीं होने देते थे। हम आगे बढ़कर के भ्रष्टाचारी को पकड़ते हैं, चाहे वो पिछली सरकारों में समय किया हो और चाहे इस सरकार में भ्रष्टाचार सारा खत्म हो गया, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन हमारे ध्यान में आते ही पकड़ के सलाखों के पीछे डालना, उसके खिलाफ जांच बैठाना, ये हमारा काम है। चाहे वो कोई कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई समाज का कोई बड़ा आदमी हो, क्योंकि ये जो है सब मिलकर के करते हैं जिनके स्वार्थ होते हैं। ये भ्रष्टाचार नाम की चीज हरियाणा में रहने नहीं दी जाएगी। और मैं तो कई बार कहा, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, इस भ्रष्टाचार को बंद नहीं करेंगे। जानकारी चाहिए, आप जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। फिर चाहे वो किसानों की बात हो, किसान की आय डबल करने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, हरियाणा उसमें हर कदम आगे बढ़ा करके इस बात को पूरा करने के लिए तैयार है। चाहे वो भावांतर भरपाई योजना है, चाहे सिंचाई के नाते हर खेत को पानी की बात है, चाहे उनको नुकसान होने पर मुआवजा देने की बात है, चाहे 14 फसलों के MSP पर खरीदने की बात है, मंडियों की व्यवस्था है, और कौन सी चीज बोई जाए इसके लिए किसान को जागरूक करने की बात है। क्योंकि आज धान और गेहूं, इसकी बजाय यदि हम सब्जियों पर फलों पर अगर विविधीकरण करेंगे या कहीं किसान को अतिरिक्त आय के लिए उसको कोई मानो पोल्ट्री में जाना है, अगर उसको कहीं फिशरी में जाना है, उसको कहीं यानी पशुपालन के काम में जाना है, कहीं मधुमक्खी का शहद का काम करना है, ये खेत से जुड़ी हुई चीजें हैं, एपीयूज बनाए ताकि उनको बिक्री की समस्या ना आए। तो मित्रों, हर वर्ग युवा वर्ग है, जैसे युवाओं को कौशल, इसके नाते सक्षम युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार होता है उसको भी 7,000 रूपया 9,000 रूपये की योजना उसको भी दिया है। हमने ये जो प्राइवेट तरीके से ठेकेदार चलते थे, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके एक नया पोर्टल बनाया कि अगर आउटसोर्सिंग पर भी कहीं नौकरी लगेगी तो सरकारी व्यवस्था से लगेगी, ठेकेदारों के चक्कर में किसी युवा को पढ़ने नहीं देंगे। इसलिए बताने के लिए बहुत योजनाएं हैं। ऑनलाइन हमने परिवार पहचान पत्र का डाटा जो इकट्ठा किया है, गरीब आदमी का घर बैठे राशन कार्ड नहीं बनाया तो उसका राशन कार्ड बनेगा, ओल्ड एज पेंशन मिलेगी तो उसको घर बैठे मिलेगी, अगर किसी को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है, अपना जा करके और एक बटन दबा करके अपना सर्टिफिकेट निकाल सकता है, अगर उसको अपनी आय का सर्टिफिकेट चाहिए वो उसमें से निकाल सकता है। तो ऐसे जितने काम हैं घर बैठे काम हो, एक विचार और भी, ये भोली भाली जनता के सामने जो विपक्षी लोग है वो ज्ञान परोसते हैं। क्या ज्ञान परोसते हैं कि इनके विधायकों के, इनके सांसदों के, इनके मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के घरों पर भीड़ नहीं दिखती। और हमने कहा कि जब हमने भीड़ के लाते से ये कह दिया कि आपके घर में आपकी व्यवस्था मिलेगी, भीड़ करने की जरूरत नहीं है, क्या कोई अध्यापक अब सेक्रेटरियट के 4th फ्लोर पर अपने ट्रांसफर के लिए जाता है? कोई नहीं जाता, क्योंकि ऑनलाइन पॉलिसी की है, घर बैठे में उसको फॉर्म भर दे, कहां कहां स्थान पर वो जाना चाहता है उसकी सीनियोरिटी पर उसको पहला दूसरा तीसरा चौथा जो आई उसकी सीनियोरिटी है उसके हिसाब से स्थान मिलेगा, किसी को कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। और ये बाकी विभागों में भी कर दिया है, आज सरकारी कर्मचारी खुश है, आज किसान खुश है, आज उद्योगपति खुश है, उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट का काम बढ़ाने के लिए, हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में हरियाणा की सबसे नंबर 1 पर, आज हमारी प्रति व्यक्ति आय है नंबर 1 पर है। तो बातें बताने की इच्छा बहुत है, लेकिन मैं तो इतनी बात कहूंगा कि हमारी हरियाणा की धरती, ये संस्कृति से ओतप्रोत ये धरती, ये धार्मिक लोगों की धरती, कुरुक्षेत्र की ये भूमि, और कुरुक्षेत्र के 48 कोसी परिक्रमा का जो एरिया जिसके अंदर आज हम कैथल में अपनी सभा कर रहे हैं, इस सारे क्षेत्र का तो विशेष एक मनोभाव है कि हम समाज के अंदर अच्छाई को कैसे फैलाएं, बुराई को कैसे कम करें, इन चीजों की हम आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, खास करके स्वास्थ्य संबंधी बातें तो मैं इसलिए भी आपको बताना चाहूंगा कि जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे, आपके द्वारा चलाई जाने वाली सारी योजनाएं उनको हम भरपूर मनोयोग से उन सबको आगे बढ़ा रहे हैं, और इसी प्रकार से समाज के हित में लगातार अपना परिवार मान करके उनकी सेवा करते रहेंगे, और आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें, यही आपसे अनुरोध। बहुत बहुत धन्यवाद।